पनौती, पीएम मतलब पनौती मोदी। अभी तो विश्व कप के फाइनल में भारत की हार का गम मिटा भी नहीं है, किसकी हार को लेकर सियासत हो गई है। अभी तो टीम इंडिया ने अपनी हार के कारणों पर मंथन भी नहीं किया होगा कि देश के सियासी दलों ने भारत की हार की वजह ढूंढनी भी शुरू कर दी है, जिसमें सबसे आगे है कांग्रेस। तभी तो राहुल गांधी ने टीम इंडिया की हार के लिए बता दिया है कि कौन जिम्मेदार है। आप भी सुनिए राहुल गांधी ने क्या कहा। क्रिकेट मैच में चला जाएगा वो अलग बात है कि हरवा दिया, पनौती पीएम मतलब पनौती मोदी। तो सुना आपने राहुल गांधी ने क्या कहा। इस वीडियो को कांग्रेस ने सोशल साइट एक्स पर शेयर किया और सिर्फ एक शब्द लिखा, पनौती। यानी राहुल बाबा ने तो सीधे सीधे पीएम मोदी को ही हार का जिम्मेदार ठहरा दिया, साथ ही साथ पनौती कहकर जोरदार चुटकी भी ले ली। राहुल के इस बयान के बाद तो मानो बीजेपी तिलमिला गई है और राहुल गांधी पर हमलावर हो गई है। बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी पीएम मोदी के लिए जिस तरह के शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं वो अशोभनीय है। राहुल गांधी को मोदी जी से माफी मांगनी होगी। राहुल गांधी की एक टिप्पणी की मैं गंभीर अर्चना करता हूं। राहुल गांधी ने ये शब्दों का प्रयोग भारत के प्रधानमंत्री के लिए किया है वो अशोभनीय है, अमर्यादित है। हमारे क्रिकेट खिलाड़ी ने बहुत अच्छा काम किया, प्लेड वेरी वेल, ठीक है, हार भी धोती है। उसको लेकर इन शब्दों का प्रयोग उनके समर्थक पीएम के खिलाफ करें और फिर राहुल गांधी अपने भाषण में हमारे प्रधानमंत्री के बारे में उस शब्द की बात करें, राहुल गांधी माफी मांगे। बता दें कि भारतीय क्रिकेट टीम की विश्व कप में हार के बाद ट्विटर पर अचानक पनौती शब्द ट्रेंड करने लगा, जहां विपक्षी दलों ने इस शब्द को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्टेडियम पहुंचने को लेकर इस्तेमाल किया, तो सत्ता पक्ष ने नेताओं और समर्थकों ने इसे लेकर विपक्ष पर ही पलटवार किया। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।